तो कैसे हैं आप लोग सब अब जो है दिल्ली के जो लोग हैं वो तो सर्दी का अनुभव कर रहे हैं बॉम्बे इत्यादि और जो अः उड़ीसा वगैरह रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर इतना नहीं है और आ, कोई विशेष प्रश्न उत्तर से जो है हम बाद में आ, उसके विषय में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे साधक गण सभी को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है मैं सबको पहले देख रही हूँ कि हमारे बीच हमारे प्रिय साधक माय फेवरेट ग्रुप ऑफ पीपल ऑल ऑफ यू सो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आकर तो चलिए फिर आज का सेशन जो है मैंने उसका जो टाइटल दिया है नो योर फूड हमें आहार के बारे में हम अक्सर बहुत चर्चाएं करते हैं बातचीत करते हैं लेकिन कई बार उसके विषय में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आमतौर थोड़ी हमसे मिस हो जाती है या नहीं पता चल पाता तो वो प्रश्न चिन्ह से हमारे मन में कुछ हमेशा खड़े रहते हैं खाने के विषय को लेकर तो यही मैंने सोचा कि आज का जो विषय है कुछ ऐसे प्रश्न जो हमें ज्वलंत प्रश्न जो है खाने के मामले में जिसके लिए हमारे पास और अधिक जानकारी हो तो हम और बेहतर डिसीजन इन अवर ईटिंग हैबिट्स हम कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि भाई रोटी और चावल में क्या फर्क है हम रोटी खाएं के चावल खाएं आवाज धीरे आ रही है ओके मैं माइक हटा देती हूँ जी अब बताएं आवाज ठीक है अब हेलो नहीं पहले ठीक थी पहले भी ठीक थी इससे ज्यादा बेहतर थी ऑडिबल जी बताएं अब Uh, आवाज कैसी है सबसे पहले हम क्वालिटी uh, चेक कर लें के Absolutely. जी बताए सबको सुनाई दे, दे। चलिए थैंक यू <laughs> लेट्स प्रोसीड ओके okay, तो हम बात कर रहे हैं चावल और रोटी की के अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या खाएं क्या ज्यादा बढ़िया है तो पूरे नॉर्थ इंडिया में चावल का तो बहुत ज्यादा प्रचलन है बहुत चावल और सॉरी रोटी का रोटी का पूरे नॉर्थ इंडिया में अधिक प्रचलन है और चावल और रोटी हमारी जो है इंडिया की जो है मोस्ट स्टेपल डाइट है और कई लोग पूरी अपने ये एक आ, हमारी पूरी रूटीन का जो है हिस्सा होते हैं कई लोग सुबह रोटी खाते हैं शाम को चावल खाते हैं दोपहर में ऐसे अलग अलग समय पर एक समय पर तो जरूर ही रोटी और चावल का सेवन करते ही हैं, और कई लोग तो साथ साथ करते हैं तो इस विषय में हम अगर रोटी की बात करें तो रोटी अगर जैसे गेहूं के आटे की बात करें तो अगर हम 100 ग्राम अगर क्वांटिटी खाते हैं तो 100 ग्राम रोटी जो आटा है उसमें हमारे को 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है और फाइबर ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट जो है सत्तर ग्राम के करीब होता है ये हम बात कर रहे हैं सौ ग्राम के करीब अगर हम जो है रोटी की बात करें तो और इसमें टोटल कैलोरीज़ जो है थ्री फोर्टी वन होती है और इसके साथ अगर हम चावल के साथ कंपेयर करें तो हमें अगर सौ ग्राम चावल हम खाते हैं तो उसमें हमें Uh, रोटी में देखिए हमें 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था चावल में हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है उतने ही अमाउंट में 100 ग्राम में और uh, जो है रोटी में हमारे 100 ग्राम में 70 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट था चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो है 78 एट ग्राम और कैलोरी थोड़ी सी ज्यादा है uh, uh, रोटी में 341 है तो इसमें 345 है यानी कि आप देख रहे हैं कि बहुत प्रोटीन जो है रोटी में ज्यादा है फाइबर रोटी में ज्यादा है और लेकिन कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी का थोड़ा सा जो है वो चावल में मात्रा अधिक है तो इसीलिए यदि हम डायबिटिक पेशेंट को बोलें तो उनसे हम यही सलाह करते हैं कि थोड़ा चावल कम खाएं और यदि जैसे हमारा कल्चर ऐसा है अगर साउथ में चले जाएं या उड़ीसा इत्यादि जगह में चावल का बहुत प्रयोग होता है तो वो लोग निराश ना हो अगर उनका देखिए चावल में प्रोटीन की थोड़ी मात्रा कम है तो वो अगर दाल के साथ खाएंगे तो वो दाल उनको जो है वो प्रोटीन प्रदान कर देगी जो कि चावल में लैकिंग है और चावल अगर जितने ज्यादा पॉलिश होंगे चावल उतना ज्यादा जो है आ, उनका जो है रफेज और फाइबर की मात्रा कम होती जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा जो है आ, कनक समेत चावल हाथ का कुटा चावल बहुत कम पॉलिश किया हुआ और कई बार ये कहा जाता है कि लाल चावल जो है वो सबसे ज्यादा महत्व बढ़िया होता है क्योंकि अनपोलिश्ड होता है देखने में तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता लेकिन आप जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है आपको फाइबर रिच मिलेगा और क्या के कहते हैं इस तरह से यदि आप डायबिटिक हैं या कोई रोग ग्रस्त है लेकिन आप चावल के शौकीन हैं तो निराश ना हो आपको उसके साथ प्रोटीन की मात्रा मिल जाए जितनी आपको रोटी से मिलती है तो आप चावल के साथ दाल खा लीजिए तो दाल से वो जो रोटी में प्रोटीन है उसकी कमी है वो भरपाई उससे हो जाएगी और साथ साथ जो है उसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स और सैलड के साथ खाएं चावल जब भी खाएं तो वेजिटेबल्स के साथ खाएं तो उसमें जो है पूरा नरिशमेंट और पूरा उसमें जो फाइबर है जो चावल लैक करता है थोड़ा सा तो वो उसकी पूर्ति हो जाएगी तो इस तरह से आप अपने मील को जो है जो भी आपको आपका शौक आपका टेस्ट को बरकरार रखते हुए आप जो उसमें लैक कर रही हैं चीजें वो अपनी एक्सेस सैलेड से वेजिटेबल से और इस तरह से उसके साथ खाके आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं और याद रखिए के रोटी में और चावल में दोनों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता देखिए जो भी कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो केवल पशु जाति में है मानव भी हम लोग भी पशु की ही उसमें श्रेणी में आते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसमें कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होता और दोनों में जो है ऑलमोस्ट कैलोरी सेम है तो लेकिन अगर आपसे जैसे अगर प्रेफरेंस पूछी जाए तो मैं कहूँगी रोटी को प्रेफरेंस इसलिए मैं दूंगी कि जब हम रोटी मुंह में डालते तो हम उसको चबाए बगैर नहीं खा पाते तो वो जो चबाने से आप जो है उसका आपके जो सेलेबरी ग्लैंड से जो श्राव जो टाइलिन का निकलता है वो उसके पाचन में और हमारे डाइजेशन में और एसिमुलेशन में हेल्प करता है तो उसका एक्सेस बेनिफिट आपको जो है ग्लैंड uh, uh, के जो जूसेस है, है उसका मिलता है जबकि आप जब चावल खाते हैं तो अक्सर उसको चबाते नहीं है तो वो एक पार्ट जो है uh, उसका फायदा नहीं हो पाता लेकिन अगर आप उसको चबा के खाएं खूब सारी वेजिटेबल के साथ खाएं तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी तो इस तरह से आप भोजन का आपको रोटी और चावल की कंफ्यूजन आई थिंक कुछ हद हाँ तक तो सॉल्व हो ही गई होगी ताकि अगर बीमारी भी है डायबिटिक भी है तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है अपना मन मारने की जरूरत नहीं है आप अपने शौक से अपने मन पसंद चावल भी खाइए और इसके बाद हम आते हैं आ, ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड आ, इसमें दोनों बातों में मैं ये बताना चाहूंगी कि आटा आ, और मैदा यानी कि दोनों ही पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं गेहूं से मिलते हैं जब गेहूं का जो है आटा है वो मोटा होता है उसके भीतर ब्रैन होता है चौकर होता है फाइबर होता है और तो वो जो है ब्राउन ब्रेड जो है आटे से बनती है और जब उसका ब्रैल निकाल दिया जाता है खाली जो उसका जो है बीज का पदार्थ रह जाता है उसका फाइबर है वो उससे अलग हो जाता है और उसको जो है बहुत बारीक कर दिया जाता है तो वो मैदे का रूप ले लेता है तो है दोनों ही गेहूं से प्राप्त की जाने वाली चीजें हैं, लेकिन हम अक्सर जो है क्या कहते हैं ये ये समझते हैं कि मैदा जो है आंतों में चिपक जाता है हाँ इस बात को अगर जो है हम अगर समझ लें कि यदि हमें हमें ये समझ आ गया कि वाइट ब्रेड यानी कि जो प्योर पैदे की है और जो ब्राउन ब्रेड है वो गेहूं उसके अंदर जो है आटे की क्वांटिटी फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको जो है ब्राउन ब्रेड खानी चाहिए लेकिन कई बार ऐसे प्रदेश में है आप जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है मान लीजिए किसी गांव में है या कोई है, हमारा सुनके ये हमारा लेक्चर सुन के ये समझे कि अगर कहीं कहीं पर कभी भी या बार ऐसा होता है कि की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऐसे समय पे क्या करें तो आप जो है वाइट ब्रेड यदि खाएंगे तो वाइट ब्रेड के साथ आप फाइबर एड कर लीजिए अपनी डाइट में यानी कि जो कमी ब्रेड में है वो आप अपने और अन्य भोज्य पदार्थ यानी के सैंडविच बना लीजिए उसमें खूब सारी सैलेड डालिए तो जो कमी मैदे में फाइबर की है वो आप जो है अपने एक्सेसिव काफी मात्रा में वेजिटेबल्स जो है डाल के और अच्छा सा सैलेड बना के तो आपको गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है या एकदम से वाइट ब्रेड को विलन बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर ये खा लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी आप उस गड़बड़ को बता बचा सकते हैं उसके अंदर फाइबर ऐड करके लॉट्स ऑफ़ वेजिटेबल्स आप डाल के, उसका सैंडविच बना के और इस तरह से आप खा सकते हैं डेफिनेटली आटा मोर हेल्दी है मैदे से ब्राउन ब्रेड में ज्यादा जो है लेकिन अगर आप नहीं पा पाते हैं कभी किधर ऐसा हो जाता है निराश होने की जरूरत नहीं है आप इस तरह से उस मैदे की या वाइट ब्रेड की जो कमी है उसको आप वेजिटेबल्स काफी सारे लेके उसकी पूर्ति कर सकते हैं और जैसे फॉर एग्जाम्पल रूमाली रोटी है या बाजार से आप कई बार ऐसी चीजें लेते हैं जो कि मैदे की बनी हुई है तो उस समय टेस्ट के लिए या डिश के साथ आपको अगर मन पसंद है वहां पर भी आप ये करिए कि बहुत सारी सैलड बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके अगर उसके साथ खाएंगे तो वो फिर मैदा जो है आंतों पे नहीं चिपकेगा और आपने जो रफेज खाई है तो वो उसको जो है निष्कासन करने में मदद करेगी तो कभी किधर आप इस तरह से कर सकते हैं अब हम लोग आटे मैदे की तो बात कर चुके हैं लेकिन सबसे ज्यादा मैदा कब हानिकारक और भी ज्यादा पॉइजनस हो जाता है जब हम उसको तेल में जो है तलते हैं मैदे की बनाई हुई चीजों को तो वो एक तरह से जो है उसका जो तेल है हमारा जो यहाँ कल्परेट है उसको ये समझना है कि जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं दे आर द मोस्ट लाइक शुड बी अवॉइडेड इन द फूड अब कई लोग कहते हैं कनोला है, है सनफ्लावर है धारा है वेजिटेबल है और uh, सूरजमुखी का है तो uh, जैतून का या ऑलिव ऑयल है ये अच्छा है मार्केट में इतने हेवी प्राइसिंग है अः uh, तो कौन सा लेना चाहिए तो याद रखिए कि मेडिकल भाषा में जो फैट है उसका नाम ट्राइग्लिसराइड ही है कोई भी फैट ले लीजिए कोई भी ऑयल ले लीजिए अल्टीमेटली ऑल आर आर जो दे ओनली जब आप अपनी बॉडी में चेकअप के लिए जाते हैं कि आपकी बॉडी में जो है ट्राइग्लिसराइड्स कितने है, तो आप ये नहीं कहते कि भी मेरे बॉडी में जो है जैतून के या ऑलिव ऑयल का परसेंटेज कितना है ब्लड में या कनोला का कितना है वो सारे के सारे अंडर वन कैटेगरी आ जाते हैं क्योंकि उनका नेचर उनकी प्रकृति और उनका जो प्रभाव है वो लगभग एक जैसा ही है वो ट्राइग्लिसराइड्स है तो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा जब आपकी एक आ, जो है नॉर्मल प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो जो आपके अंदर ग्लिसराइड्स हैं वो आपकी आर्टरीज में धीरे धीरे जमाव शुरू हो जाता है जिससे कि आपको हार्ट की आगे प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि फैट आप कोई भी रूप में ले ले कितना भी महंगा मैं तो कहूंगी सबसे बढ़िया जो है जब सारे के सारे चाहे वो जैतून का ऑलिव ऑयल उल है चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है या कोनोला है जो भी है तो क्यों ना हम आ, सबसे बढ़िया अपना जो है ट्रेडिशनल सरसों का तेल लें सरसों के तेल में जो है आ, क्या कहते हैं वही गुण है आ, तो महंगे ज़्यादा मतलब हमें जो मार्केटिंग कंपनी लुभाती है आ, पहले तो ये आ, एक मार्केटिंग गिग होता था कि कई पर्टिकुलर ब्रांड्स के ऊपर ये लिखा होता था गुड फॉर हार्ट तो वहां से फिर गवर्नमेंट ने उसको बैन किया कि ऑइल्स एंड फैट्स आर नेवर गुड फॉर हार्ट तो अब वो लाइन अप किसी भी तेल की जो है पैकिंग पे नहीं देखते क्योंकि दिस इज द फैक्ट कि यदि कोई हम लोग आम जो लोग हैं स्वस्थ लोग हैं उनको भी घी तेल का प्रयोग जो है कम मात्रा में करना चाहिए स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 ग्रोइंग एज है तब तो घी जो है नॉर्मल अमाउंट जो है वो रिक्वायरमेंट है लेकिन उसके बाद जो है जो एक्सेस फैट है वो डिपॉजिट होके आर्टरीज में आपकी ब्लॉकेजेस पैदा करेगा और तब इसका जो हम कहते हैं कि सबसे अच्छा जो है कि आप जो है बिना ऑयल के ही कुकिंग करें Uh, कई बार हमारे पास एक बार ऐसा इंस्टेंस हुआ कि हमने झुग्गी uh, uh, झोपड़ी में किन्नी से बात करने का uh, uh, मौका लगा तो उन्होंने कहा जी हम तो पानी में ही छौक लगाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है तेल और इत्यादि खरीदने का और आज की मेडिकल साइंस आज के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो वाटर के ही साथ जो है सब्जियों को क्योंकि आपके सब्जी में टेस्ट जो है वो ऑयल से नहीं आता वो मसालों से आता है तो आपको जो सब्जी बनाने का तरीका अब especially जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो रोग ग्रस्त है उनके लिए तो जो सब्जी बनाने का तरीका यही है कि आप यदि वेजिटेरियन हैं तो जो भी जीरा इत्यादि अगर आप पैन लेते हैं थोड़ा सा पैन गर्म होता है उसमें ड्राई रोस्ट जीरा इत्यादि आप करें और फिर पानी में आप जो है मिक्स करके सारे स्पाइसेस वो आप उसमें डाल के और उसमें सारी सब्जी डाल के आप जो है स्टीम कुक कर सकते हैं आपको वही स्वाद मिलेगा उसमें वही धनिया कोरिएंडर ग्रेटेड कोकोनट आपको जो फैट अगर चाहिए भी तो वो नेचुरल इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा और यदि जो प्याज लसन इत्यादि बहुत मसाले भुन के भी खाते हैं उनको लगेगा कि बिना घी के तेल के हम मसाला भुन कैसे सकते हैं तो याद रखिए ये करके देखिए ये मैंने भी स्वयं अपनाया हुआ है आप जो है अगर पैन गरम कर लेते हैं पैन या कढ़ाई और उसमें धीरे धीरे वो प्याज और जो भी आपके लसन टमाटर इत्यादि बहुत ही आराम से उसको आप जो है भून सकते हैं फिर उसमें एज यूजल अपने मसाले और सब्जी डाल के आप पका के देखिए तो जीरो ऑयल सब्जी आपके लिए तैयार हो जाएगी तो इससे जो है बिल्कुल भी जो और याद रखिए कि हमने पहले भी कैलोरी के भी लेक्चर में आपको बताया था कि वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आपको चार कैलोरी मिलते हैं वेयर एज वन ग्राम ऑफ फैट से आपको नौ कैलोरी मिलती है तो इसीलिए आपका जो है जितना रोग की अवस्था में और रोग ना आए उससे बचाव की अवस्था में हमें जो है धीरे धीरे ऑयल का जो कंजम्पन है उसको कम करना चाहिए अपनी डाइट में इसके बाद जो है और जो टॉपिक में बात करना चाह रही थी ग्रीन टी और नॉर्मल टी ग्रीन टी और नॉर्मल टी के विषय में भी कई बार कंफ्यूजन रहती है तो चाहे आप कोई भी टी ले आ, 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 स्पेशली सबसे पहले तो जानने की जरूरत है कि टी जो है आ, जो नॉर्मल टी है आ, उसका जो बनाने का तरीका है आ, वो जो है उसको आ, टी लीव्स को हार्वेस्ट किया जाता है उसको फिर आ, क्या कहते हैं हीट करके और फिर उसका मॉइस्चर निकाला जाता है ऑक्सीडाइज किया जाता है उसकी रोलिंग की जाती है उसका फिर चूरा बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया से जो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल टी की खत्म हो जाती है और वेयर एज जो ग्रीन टी की बनाने की प्रक्रिया है उसके अंदर ये जो विदरिंग नहीं होती और उसको सीधा स्टीम किया जाता है ऑक्सीडेशन नहीं होती रोलिंग होके और ड्राई करके उसको निकाल लेते हैं तो इस तरह से जो ग्रीन टी है उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो जो है कायम रहती है तो उसका सेवन करें और स्पेशली जिनको वेट घटाना है तो जब आप ये ग्रीन टी लेंगे तो ना उसमें शुगर डालेंगे ना उसमें मिल्क डालेंगे अगर बिल्कुल ही लोग जो है नहीं पी सकते तो उसको आप गुड़ या कोई नेचुरल स्वीटनर हल्का सा डाल सकते हैं तो ये आपके वेट रिडक्शन में भी अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने वर्ड बोला एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं इतनी क्रियाएं प्रक्रियाएं मेटाबॉलिज मेटाबॉलिज्म हमेशा चल रहा होता है तो उसका कुछ वेस्ट जो है फ्री रेडिकल के रूप में हमारे शरीर में हमारे ब्लड में जो है सर्कुलेट कर रहा होता है तो जो एंटी होते हैं जो भी फूड्स एंटी रिच होते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट उन जो फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया या सफाई अभियान में मदद करते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है ग्रीन टी में है ग्रीन uh, टी में एक करके कंपाउंड होता है uh, वो बहुतायत में होता है और ये कंपाउंड से ब्लड शुगर लेवल कम होता है कोलेस्ट्रॉल कम होता है फैट कम होता है और ये इवन कैंसर में इंफेक्शन में और वायरस के अगेंस्ट ये सारी जो इसकी ग्रीन टी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं ये उसमें मदद करती हैं और जैसे अगर हम कैफीन की बात करें अगर हम कॉफी लें तो उसमें अगर जो है आ, 100 मिलीग्राम कैफीन है चाय में 50 है तो ग्रीन टी में 35 ही आ, जो है कैफीन है और इसमें विटामिन सी है और एंटी ब्लड शुगर एंटी कैंसर एंटी डायबिटिक और एंटी कोलेस्ट्रॉल और एंटी हार्ट डिजीज है तो इतने सारे फायदे हैं तो आई थिंक अगर आप दिन में चार चाय पीते हैं तो उसको दो को तो एटलीस्ट रिप्लेस कर सकते हैं और साथ साथ हमारी प्रज्ञा पे आरोग्य पे जो मैं रेसिपीज देती हूँ तो वो भी आप जो है इनकलकेट कर सकते हैं और इसके बाद जैसे अगर हम आ, ओट्स की बात करें तो ओट्स का हिंदी नाम होता है जई और आ, इस इसको एक जमाने में घोड़ों को खिलाया जाता था तब जो है लेकिन आजकल जो है मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन में इट हैज बिकम अ वेरी लाइक ब्रेकफास्ट ऑप्शन बहुत अच्छा बन गया है इसमें फाइबर है बहुत ज्यादा 100 ग्राम्स अगर ओट्स की बात करें तो उसमें 390 कैलोरीज है 6 ग्राम फैट है देखिए फैट कम है कैलोरी ज्यादा है तो जो लोग वेट रिडक्शन चाहते हैं उनके लिए ये ओट्स जो है शुड नॉट बी टेकन मच क्योंकि उसकी कैलरीज 100 ग्राम अगर ओट्स लेते हैं तो उसमें 390 नाइन्टी कैलरीज है तो अगर आपने नाश्ते में ओट्स ले लिए साथ में चाय ले लिए एक और तो आपका पूरा जो है वो टोटल कैलोरी इनटेक ज्यादा हो जाएगा तो जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी बाकी लोग ले सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन दूर करता है इसमें ग्लूटन नहीं है और इंटेस्टाइन को क्लीन करने में और इसमें थायमिन, वेरियस, पोटेशियम और ऐसे बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन तो हार्ट के लिए हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है ऐसे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी विषयों के बारे में बातें करते रहेंगे और जो आवश्यक जानकारी है मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी और कभी अगर आपको कोई लगता है कि कोई प्रश्न है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं कि अगर कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए हो। तो अब जो है समय हो चला है तो uh, मैं अभी इस लेक्चर uh, को मैं विराम देती हूँ और थैंक यू ऑल एंड इफ देर इज नो क्वेश्चन सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन क्वेश्चन Yeah, Dr. Sunita, can so, you just explain once again the uh, effect of chewing your food and the the juices of the salivary gland? I want to just uh, understand that better. See, the uh, roti is uh, uh, comparatively uh, jo chawal hai usse thoda, uh, one up thoda one There is not difference. बट uh, एक फैक्टर जो है जब हम रोटी मुंह में डालते हैं तो ऑब्वियसली हमें चबाना पड़ेगा और जब हम चबाने की और चीविंग क्यों हम कहते हैं कि खाने को जब हम कैसे खाएं कि जब हम रूल बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बत्तीस बार चबाइए एक जो बाइट है उसको उसका पर्पस क्या है कि व्हेन वी स्टार्ट चीविंग द फूड द मैसेज गोज टू ब्रेन द ब्रेन सेंड्स मैसेज टू द थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हमारे हैं तीन पेयर्स है उनको मैसेज मिलता है एंड दे स्टार्ट सिक्रीटिंग टाइलिन सो दिस टाइलिन इज अ एंजाइम विच इज एल्कलाइन इन नेचर एंड दिस दिसकलाइन नेचर ऑफ द टाइलिन इट मिक्सिस विद द फूड द कार्बोहाइड्रेट एंड इट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ द सो द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो रोटी का डाइजेशन है इट स्टार्ट इन द माउथ इट सेल्फ और जब उसका अच्छे से एंजाइम के साथ उसका जो है जब हम चबाते हैं तो उसका मिश्रण हो जाता है उसके साथ और वो हमारे शरीर में जो है बहुत अच्छे से एसिबिलेट होता है इसीलिए हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी ना खाएं और उसमें क्या है कि वो जो एंजाइम का पूरा इफेक्ट आ ही नहीं पाता एंजाइम पूरा रिलीज ही नहीं हो पाता और चावल के केस में भी यही होते हैं कि आप जो है मुंह में डालते हैं गप से जो है उसको ज्यादा चबाते नहीं है वो चबाने की आवश्यकता भी नहीं होती बट अगर हम कोशिश करें उसके साथ सैलेड और ऐसी चीजें खाके तो उसको डेफिनेटली जब चबा के खाएंगे तो वो जो आपके एंजाइम है प्रॉपर उस फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे और जब वो मिक्स हो जाएंगे तो आपका जो है पाचन और एसिमिलेशन जो उस फूड का पूरा प्रभाव है जो लाभ है वो आपको हो पाएगा राइट right? uh, डॉक्टर सुनीता मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ जी पूछिए अपना बो... नाम बताए रेखा रेखा बोल रही हूँ मैं जी रेखा जी कहाँ से बोल रहे हैं? यही डेली से ओके okay, बताए हाँ जी आ, ये आपने जीरो ऑयल कुकिंग की जो बात की तो कुछ दिन पहले मैंने भी बहुत कम ऑयल शुरू कर दिया था यूज करना बिल्कुल okay. जीरो तो नहीं किया था बहुत कम किया था Okay. लेकिन मुझे काफी ड्राइनेस फील होने लगी थी स्किन में में नेल्स ऐसा लगता था कि बॉडी ड्राई हो रही है बिल्कुल तो फिर आई हैड द अमाउंट लिटिल बेट तो अच्छा मतलब आई फेल सम ऑयल इज नीडेड फॉर लुब्रिकेशन इन द बॉडी अगर तो आपको हार्ट कंडीशन नहीं है ये जो जीरो ऑयल की कुकिंग है ये स्पेशली हार्ट पेशेंट जो ऑलरेडी जिनकी हंड्रेड हंड्रेड परसेंट ब्लॉकेजेस चल रही हैं जिनका फैट डेपोजिशन के जीरो ऑयल उनके लिए देखिए अपथ्य रोगी के लिए अगर जो लोग हेल्दी है जिनको कोई हार्ट की दिक्कत नहीं है वो दे कैन हैव थिंग्स इन मॉडरेशन देशों को और वैसे हमें फैट जो है बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं अगर आप मिल्क भी लेते होंगे अगर आप जैसे खाने में पनीर इत्यादि भी लेते तो फैट और कई सब्जियों में अनाज में हमें सबसे फैट मिलता है कई बार ये भी देखिए कि हमारा साइकोलॉजिकली ये हमारे माइंड में शायद आ जाता है शायद ड्राईनेस वैसे वास्तव में ना लेकिन हम हम साइकोलॉजिकली ये फील करने लगते हैं कि शायद हम नहीं खा रहे बट्रिक्ट रूल ऑफ्सोड दो नो इश्यूज दे टेक थिंग्स इन मॉडरेशन या एंजॉय इन मॉडरेशन रैंक यू थैंक यू मैडम ऑयल के